है 7 फिट, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनायत व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, और बताओ आप लोग कैसे हो? बाकी आज मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे फॉलो करा, मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाया, थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपना प्यार ऐसे देते रहिए, ऐसे ही हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छे व्लॉग बनाएंगे। अभी हम आपको शादी का भी व्लॉग दिखाएंगे जब मैं शादी में जाऊँगी। और बाकी जो देखो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, तो आप लोग करो, इसी चीज़ से मुझे ना सीखने मिलना है और आगे बढ़ूँगी मैं इस चीज़ से, क्योंकि इसलिए आप लोग मेरी कमी बताते हो, ठीक है? तो उसको फिर मैं ठीक करती हूँ, उसको उसमें थोड़ा सुधार लाती हूँ। बाकी जो उल्ट और बेकार वाले कमेंट्स करते हैं ना, तो भाई जाओ मत करो, मत देखो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी जो मुझे सिखाते हैं, हाँ जो मेरी गलती है उन गलतियों को आप बताओ, लेकिन हाँ उल्टे सीधे कमेंट मत करो। जो मेरी गलती है उस चीज़ को बताओ जिस पे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब तुम उल्टे सीधा बोलोगे कि पहले बोलना सीखो या करना सीखो, तो मैं कोई मतलब सीख कर थोड़ी आई हूँ ब्लॉग कि कैसे बनता है कैसे नहीं। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ अभी बोलना क्या है करना क्या है। तो ये चीज़ ना थोड़ी मतलब बुरी लगती है कोई बोलता है तो ऐसे। हाँ, आप लोग ये कहो कि आप थोड़े ब्लॉग ठीक करो, ये करो, तो इस बात को मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी सुधार लाऊंगी। लेकिन आप डायरेक्टली बोलते हो कि पहले बोलना सीखो फिर बनाओ ब्लॉग है, तो कोई मतलब एकदम सीख कर ही नहीं आता है। अब जैसे खाने बनाना होता है तो धीरे धीरे इंसान अच्छा सीखता है, रोटी बेलना हो गया धीरे धीरे करके वो अच्छी बेलना सीखता है। अभी थोड़ी ना एकदम ही परफेक्ट होके आएगा, अब बच्चा स्कूल जाता है तो ये थोड़ी ना कि एक ही दिन में पूरा वो क्लास पूरा हो जाएगा उसका सब्जेक्ट। अब ए बनाने में भी ना उसे थोड़ा टाइम लगता है, पहले थोड़ी टेढ़ी लाइन खींचते हैं फिर सीधी खींचते हैं, तो उसमें सब चीज़ में देखो टाइम लगता है। तो जो भी आप लोग मुझे कहते हो तो सुधार करूँ डायरेक्टली, मतलब ना मुँह पर मत थोपा करो बात। आप लोगों को बुरा लगे तो सॉरी, पर बुरा मुझे भी लगता है, मैं भी इंसान ही हूँ। और बाकी गाइस, मैं ना मतलब कुछ फेक चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, मैं जो दिखाती हूँ रियल ही दिखाती हूँ। ये नहीं मुंह पे फ़िल्टर लगा लिया, इस पे फ़िल्टर लगा दिया या कहीं कुछ कर लिया, मतलब फेक कुछ नहीं है मेरा, सब डेली रूटीन है जो मैं करती हूँ बच्चों का इसका उसका। और ना मैं अपने मुँह को सजाती हूँ जाती हूँ, बस हाँ ये लिप ग्लॉस है ये मैं लगा लेती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ। जो रियल है वो रियल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो ना लोग मुझे रियल में देखो तो मैं ऐसी दिखूँ, तो भैया जो मैं सामने हूँ वैसी ही हूँ, काम हो कुछ भी हो सब कुछ मेरा रियल है, कुछ फेक नहीं है और ना मैं कुछ फेक बनाती हूँ। बाय बाय गुड़िया, बाय बाय। और ना मेरे अंदर ये भी आदत नहीं है थंबनेल पे कुछ और दिखा दिया और अंदर कुछ और हो, मैं जो दिखाती हूँ रियल है सब कुछ, बस ये भी रियल है। मुझकी मुंडी तो ना उल्टी कर दी छोटा सो जाओ। ठीक है, और बाकी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इतना प्यार दिया उनके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था, अब बारी है काम की, बातें बहुत हो गई अब काम करते हैं थोड़ा सा। और बच्चों को रेडी करने के बाद जब मैं किचन में आई, मैंने देखा बर्तन पड़े, मैं सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि मेरी नन बर्तन धोती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठंड हो गई है, तो अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन। और पीछे से ना कॉल भी आ रही थी, मैं सोचा पहले कॉल देख लेती हूँ किसकी है, मॉम ऊपर थी बच्चों को लेके गई थी। और जैसे ही मैं फिर से धोने के लिए आई तो मशीन का राउंड पूरा हो गया था, आज ना धूप निकली थी तो मम बच्चों को लेके ऊपर बैठी थी, तो मैंने सोचा कपड़े भी धो लेते हैं सब सूख जाएंगे, क्योंकि हमें शादी में लेके जानी है जैकेट वगैरह, तो इसलिए मैंने सब धो ली थी। तो कपड़े मैंने जल्दी जल्दी मशीन में से निकाल लिए और उधर मैं ड्रायर में डालती जा रही थी, मैंने वहाँ पर पाइप लगा दिया था पानी का, मैंने कहा उससे वॉश होते रहेंगे और यहाँ पर मैं धोती रहूँगी, तो ऐसे ना काम जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद ना रात पापा मछली लेकर आए थे तो मॉम ने ये मुझे धो के दे दी थी, मैंने प्याज भी कर ली थी इसकी और शामी कबाब के टिक्के भी हमने तैयार करके रख ली थी। बाकी फिर मैं सोचा बच्चों की फीटर बॉयल कर लेती हूँ। मायरा नहीं,
वैसे तो मैं स्टील के बर्तन में करती हूँ, पर स्टील के बर्तन में फिर बहुत बड़ा हो जाता है, दोनों की फीटर साथ में नहीं आ पाती है और ज़्यादा बड़ा बर्तन रखने में मतलब अजीब लगता है, तो मैंने इसी में बॉयल कर ली थी। और ना उसमें थोड़ी फ्राई की भी थी, तो हमने फ्राई भी इन लोगों को करके दे रहे थे हम गरम गरम, और सब्जी भी बनाई थी हमने चटनी के साथ, इन लोगों को फ्राई अच्छी लगी। फिर उसके बाद हमने चीले से मछली शोरबे वाली खाई। तो आज मैं आपको दूंगी अपना इंट्रोडक्शन। मैं गाइस, आप लोग पूछते हो ना कि आप कहाँ से हो, तो मैं हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बहेड़ी से। हाँ गाइस, आई एम लिव इन बहेड़ी। आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं बहेड़ी में ही रहती हूँ। आप लोग सही कहते हो, मौला शामिया के पास मेरा घर है। प्यारी समझ गई। सही पकड़े हो भाई, सही पकड़े हो। तो मेरा नाम है हिफ्ज़ा इनायत, और जो मेरा मैका है वो है यूपी में सिवहारा, धामपुर के पास पड़ता है, वहाँ पर मेरा मैका है, मायरा के नाना का घर। और मेरी ननसाल जो है ना, मतलब मेरा नानी का घर, वो हल्द्वानी में है। हल्द्वानी से ही मेरी बारात हुई थी, क्योंकि सिवहारा बहुत दूर पड़ता है, तो इसलिए हमने हल्द्वानी से ही बारात करी थी। वहाँ पर ना मेरी ननसाल के सब लोग रहते हैं मेरे, और यहाँ पर मेरी शादी हुई थी। और शादी कैसे हुई थी अगर आपको पूछना है तो कमेंट में बताना। और मेरी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, ये भी अगर आपको पता करना है तो कमेंट में बताना। बस मैं आपको इतनी बताती हूँ, हाँ मैं बहेड़ी में रहती हूँ। और कहाँ रहती हूँ ये तो आप जानते ही हो। बस मुझे आज इतना ही बताना था, बाकी बातें अगर आपको जो भी पूछनी है गाइस तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं आप लोगों को सब बात बताऊँगी, ठीक है। अभी ना सब लोग पूछ रहे थे कहाँ हो, बहेड़ी हो, कहाँ रहती हो, तो बस मैंने सोचा आज मैं इतना ही आपको बता देती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मुझे आगे बढ़ाया। मेरे आज 200 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स अब बढ़ते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है इनायत, यहाँ पर मैं दे दूँगी आपको, ठीक है, आप देख लेना मेरी आईडी पर इंस्टा की जाओ और मेरी रील्स देखो और बताना कैसी लगी मेरी रील्स। और हमारे दो चुन्नू मुन्नू हैं, उनको तो आप जानते ही हो। बाकी आपको जो भी जानकारी लेनी है, हमारी शादी कैसे हुई, कब हुई, और लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो आप ये कमेंट में मुझे सब बताना, आपको क्या क्या पूछना है मुझसे, मैं सब बातों का आपको जवाब दूंगी। और खेलने और आपको जो भी कुछ पूछना हो ना कमेंट बताना, मेरी एज में मतलब जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, तो मुझे ज़रूर पूछना, आप कमेंट में पूछना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के दिखाऊँगी आपको। और मायरा भी बाहर है, आपको आवाज़ आ रही होगी, अंदर आने के लिए कर दी है मैंने, उसे भी बाहर दादी के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें वो शोर करती है। और ये जो मेरी रिंग लाइट है इसको भी खींचती है, जिस पे इस टाइम मेरा मोबाइल रखा हुआ है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और बाकी मैं आगे ऐसे ही बढ़ते रहूँगी आप लोगों का, अगर ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहा तो। और जो भी लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो भाई प्लीज़ थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए सब कुछ, कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं वो होता है, तो उसके लिए भी थैंक यू। और मुझे बताए DOOL डॉल नहीं होता है, पर वो ना जब टाइपिंग करते हैं तो मतलब चेंज हो जाता है, तो इस वजह से वो मिस्टेक हो गई थी मुझसे। और फिर जब व्लॉग अपलोड करने में लगा दो ना, तो बहुत टाइम लगता है उसको चेंज करने में, सब करने में, तो मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया था। मैंने कहा समझदार को इशारा तो काफ़ी होता है ना, कर दिया था। और आई नो कि DOOL डॉल होता है इस मोबाइल में ना, वो होता है थोड़ा, और बच्चे भी हैं साथ में, हैंग भी होता है मोबाइल, वायरस इतना हो जाता है वीडियो वगैरह का, तो इस वजह से वो चेंज नहीं हो पाता है। फिर जब मैं व्लॉग जो है एडिट कर लेती हूँ, बाद में मुझे ध्यान आता है, तो मतलब मैं टाइपिंग सही करती हूँ, पर वो मोबाइल पता नहीं क्यों चेंज कर देता है।
और बाकी थैंक यू मुझे इतना बताने के लिए। मैं अपनी मिस्टेक पर अब ध्यान दिया करूँगी, जब ब्लॉग अपलोड करती हूँ मतलब एडिट करती हूँ अपलोड करती हूँ तब भी मैं ध्यान दूँगी। बाकी मेरी रील्स जाके देखो, अभी देखो, ये है मेरी आईडी, ये अभी जाके देखो, जाओ थोड़े अपने एमबी खर्च कर लिया करो। मैं अपना पूरा दिन खर्च करती हूँ, तुम थोड़ी अपने एमबी खर्च कर लिया करो। और जो भी व्लॉग आप देखते हो ना तो पूरा देख कर जाया करो, पूरा स्किप मत करा करो, ठीक है? ठीक है गाइस, ये है मेरी रिंग लाइट, ये देखो। इसमें ना यहाँ पर एक वो भी था लट्टू जैसा कुछ, तो वो लाइट को ऐसे ऐसे कर सकते हो तुम, तो मैंने हटा दिया, उसकी वजह से ना मेरा मोबाइल ऐसे गिर रहा था तो मैंने निकाल दिया। और इसकी हाइट है 7 फिट, और इसका कलर भी देखो चेंज होता है। इसमें 4 शेड हैं, इसका बटन है, और ये मैंने इसमें लगा रखा है ऐसे ये। और अमायरा देखो इसको लेती रहती है बस, ये बच्चे ना शूट नहीं करने देते हैं बिल्कुल भी। ये देखो है ये हरकतें होती हैं इनकी, ये देखो। और पूरा रूम देख रहे हो कैसे कर रखा है, टाइम देखो कितना हो रहा है, 11 बज रहे हैं। जी चाहिए अभी दे रही हूँ, तो ठीक है अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस अब हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और ये भी आ गए हैं, अभी खाना वाना हमने खा लिया है, बर्तन वर्तन धो के मैं अब फ्री हो रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:45 हो रहे हैं, वहाँ पर मैं तो टाइम ही नहीं देखा, इतना टाइम हो गया। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं हम आपसे नए व्लॉग के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और थैंक यू सो मच। मैं तो बाय कर दो बेटी, बाय बोलो, बाय 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 बाय।